अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तैयब और आप देख रहे हैं फॉर मेडिसिन। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फैक्टर डी के हवाले से कि फैक्टर डी किन बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्टर डी को खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और फैक्टर डी की डोजेस क्या है। यानी कि आज मुकम्मल फैक्टर डी के बारे में मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं फैक्टर डी। फैक्टर डी को फैक्टर डी किस कंपनी की है, तो बात करते हैं फैक्टर डी की कंपनी की। फैक्टर डी जो गेट्स कंपनी की है, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके अलावा इसकी पोटेंसीज कितनी आती है, फैक्टर डी की जो पोटेंसीज होती है वो 60 mg प्लस 120 mg होती है। इसके अलावा बात करते हैं कि फैक्टर डी को किन बीमारियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैक्टर डी आमतौर पर जो एंटी एलर्जी के तौर पर एक काम करती है। फैक्टर डी को नेजल कंजक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा रनिंग नोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, रिनाइटस एलर्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी आंखों से पानी बह रहा है या आपकी आंखों में खारिश हो रही है तो अब भी आप फैक्टर डी को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि फैक्टर डी की जो डोज़ है वो क्या है। फैक्टर डी की जो रिकमेंडेड डोज़ है अडल्ट के लिए वो वन टैबलेट ट्वाइस अ डे, यानी कि एक दिन में आप 2 टैबलेट सुबह शाम फैक्टर डी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप एजड हैं यानी कि बूढ़े हैं या आपको किडनी की प्रॉब्लम है तब आप 1 टैबलेट पर डे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि फैक्टर डी को खाने से साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। फैक्टर डी को खाने से जो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनमें आपको स्लीपिंग हो सकती है, डेजीनेस हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, इसके अलावा हेडेक हो सकती है। ये चंद जो साइड इफ़ेक्ट हैं ये फैक्टर डी को खाने से हो सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ सबसे अहम बात कि फैक्टर डी को खाने के अगर आप ले रहे हैं तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर आप फैक्टर डी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको साथ एप्पल जूस, ऑरेंज जूस और ग्रेप फ्रूट जूस इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो जूसेस हैं ये इसके साइड इफ़ेक्ट को बढ़ाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल एम फॉर मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मेडिसिन के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।